हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पैरों पराओ, छोटे हो वड्डे हो, अज तुहानू मैं रेसिपी दे रहा हाँ, आलू अंडे। मेरे चैनल की पहली रेसिपी। मैं सोचा चलो यार, अज पंजाबी जी जरा गपशप मारीए। नाल घर कल्ले ही हाँ, मैं कहा चलो नाल भैणा भरावों नू लै के, ऑडियंस नू लै के, ते नाल करने हैं। पहले मैं तुहानू दसा, दो आलू मेरे कोल ने, दो आलू, दो सब्ज़ मिर्च, एक टमाटर ते एक प्याज, ठीक है। इन्हों असी पहले चॉप करने हैं, फटाफट चॉप करके तो फिर अगले सेक्शन ते जावांगे, ठीक है जी। सब तो पहले तो प्याज नू छिलांगे, ठीक है। जना प्याज आ गया, एक प्याज वेलो दरमियाने साइज, आलमोस्ट प्याज, इन्ना दरमियाना भी नहीं कुछ वड्डा, लेकिन चलो थोड़ा चॉप कर लेने, ठीक है जी। प्याज नू करना है असी बरीक चॉप। दूसरे नंबर है साढ़े को टमाटर। टमाटर को मैं धो के रखे है, लादा तुसी भी जो ही बनाओ इन धो के रखना है। टमाटर नूं भी तुसी स्लाइसिस च कटना है, बरीक स्लाइसिस, ठीक है। सब्ज मिर्च दी अभी मैं धो के रखनी है, ठीक है। सब्ज मिर्च तुसी कटनी है, एक चीज इंज रखना थोड़ी तिरछी रख के कटनी है, ठीक है, ताकि जरा हांडी च पई हो लुक भी दे, खाने वाले नूं पता लगे कि यार कुछ शै बननी है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी है खाने च। साढ़े को अगला सेक्शन है आलू। आलू ने मेरे को इस टाइम तीन दो सॉरी दो आलू ने, यह वेखो साइज चेक करो, आलू ने छिल लेने हैं। आलूआं नूं जनाब सोहणा जिहा करके छिल के, आलू मैं छिले ने, इन्हां धो लांगे बाद च। पहले मैं आलूआं नूं जरा स्लाइसिस च कट के तुहानूं दसां कि भाजी आलू तुसीं बरीक कटणे ने, मोटे भी कट सकते हो, वड्डा कोई रौला नहीं, लेकिन बरीक जरा कट्टोगे चस्का आएगा, चस्का जिहनूं कहिंदे ने, ठीक है। देखो ना आलू का साइज, इस साइज में कट लेना, ठीक है। इस तो बरीक भी कटे कटे जा सकते, लेकिन थोड़ा जहा आलू कायम तो रहना चाहिए ना, कि नहीं भाजी कायम रहेगा तो गल बन सी। सोने हो जवानों, अज तुम मजे दवावे मजे, तुसी आलू आंडे खा के कहने यहोजे भी कभी खाधे नहीं। तो कल्ले पकाना ना बहुत बोरियत वाला काम है, की ख्याल है? तो ना गल्लां बातें हो रही ने तो मामला चल रहा है, ठीक है। आलू आ गया एक, कुछ चीज़ा जेडे प्रोफेशनल कुक ने ना होटलों के, ये उन्होंने ही ने। मैनू याद है मेरे अपने ब्याह मैं खाना बनवाया सी, वो मेरे होटल ने नहीं सी। सरकार तकरीबन एक मन प्याज सी, एक मन प्याज चौधरी साहब ने, मैं आना मैनू लगता अद्धा घंटा भी ज्यादा होना, गल्लां गल्लां जी बात जी, उन्हें एक मन भी कुछ नहीं, ज्यादा ही होएगा, मैनू प्रॉपर नहीं याद। तो चौधरी साहब ने जनाब अद्धे घंटे से पहले पहले कट के घुमा रहा सी, बड़ा सोहना लच्छेदार, ठीक है जी। लो जी ए आ गई हैं मेरिया, नाल तुसी गल्लां इंजॉय करो, मैं तुहानू नाल शुगल मेला सुनावा, तो नाल तुहानू मैं। लो जी इहनू असीं हुण लवांगे धो। लो जी आलू चैक करो, तो आलू दी रंगा चैक करो, आह क्या बात है क्या बात है। कुकिंग करांगे स्टार्ट, थोड़ी तेज फ्लेम पे अग करके पहले सब तो ऑयल गर्म करना है। यह चीज़ इंज रखना कि ऑयल गर्म करके पाना है प्याज विच, जो पाना है ऑयल गर्म होना चाहिए ताकि जल्दी पके और अच्छा पके, ठीक हो गया। असी जनाब हुण लवांगे तकरीबन अद्धा कप ऑयल, ठीक है जी। अब साडा मटीरियल बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ऑयल भी असी उस हिसाब में पाना। तकरीबन 2 मिनट होने वाले ने, ऑयल साडा तकरीबन बस ऑलमोस्ट ऑयल गर्म हो चुके हैं, और असी हुण जावांगे इहदे च प्याज वास्ते। अच्छा प्याज मैं हुण बिस्मिल्ला करके शामिल करांगा,
पहला स्टेप जो असल साडा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यह जनाब पहला स्टेप साडा प्याज है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इतने ऑयल गर्म आवाज आई है। बहुत प्याज नूं तुसीं बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है? बहुत ज्यादा रंग चेंज नहीं करना। अगर सड़े प्याज इलाका लेना है तड़के वाला तो फिर आएगा, लेकिन वो फिर तुहानूं आलू अंडे दे चस्का नहीं देगा, होर किसी सब्जी जां होर किसी चीज तो दे सकदा है, लेकिन आलू अंडे फिर वो मजा नहीं देगा जो तुसीं लेना चाह रहे हो, ठीक है? तो प्याज नूं असीं बस नॉर्मल जिहा ब्राउन करना है, वो भी सिर्फ कलर चेंज हो जाए, आकड़ मर जाए जिहनूं कहिंदे ने, ठीक है? फ्लेम मैं कर दिंदा थोड़ा मीडियम। हाँ जी, प्याज का रंग चेक करो, गोल्ड हो गया हल्का हल्का गोल्डन जिन्हों कहते हैं, ठीक है? बिल्कुल लाइट जो गोल्ड होया। हम असी ये ऐड करांगे बिस्मिल्ला करके टमाटर। बिस्मिल्ला रहमान रहीम, ए जनाब एक टमाटर असी जो किया तड़के दिए, जरा तुम आवाज चेक करो आ रही है ने? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ए जनाब टमाटर भी बिच मिक्स हो गया, एक अद्ध मिनट का टमाटर थोड़ा बह ले, फिर सबज मिर्च पाने, सबज मिर्च भी तुम टाइम टू टाइम पा देनी है, क्योंकि सबज मिर्च फिर अपना असर छेगी बिच टमाटर के नाल, तो क्या मजा आएगा, चस्के बन जाएंगे, चस्के जिन्होंने कहते हैं। लो जी टमाटर तुम वेख रहे हो कि टमाटर भी नरम हो गया बिल्कुल, ठीक है? छिलका उन्हें छड़ना शुरू करता अपना। हरी मिर्च थी मेरे को, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हरी बिस्मिल्लाह करके हरी मिर्च भी छी, और अद्धा कु मिनट तुम तड़का लाना है, ठीक है जी? कहते ने ना पंजाबी च, कहते ने आकड़ भजेगी तो रिश्ते का मजा आएगा, इंज जो 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 कुछ असी पाया इन्हों की आकड़ टुटेगी तो फिर मजा आएगा, चस्का आएगा। हम असी पाने ये मसाले, ठीक है जी? ए जनाब आ गई सुरख मिर्चे अद्धा चम्मच, टी स्पून, मैं ज्यादा नहीं खाता, अगर तुम ज्यादा खाते तो तुम ज्यादा भी पा सकते हो। हल्दी 1/4, तो दो आलू ने तो इन्नी कोई बहुत, ठीक है जी? हल्दी भी आ गई, हल्दी तो बाद असी अद्धा कु चम्मच जरा ना वो पौना कु चम्मच समझ लो नमक का पाया, अंडे भी पैने, नमक उठे भी जाएगा। उस तो बाद जनाब काली मिर्च हल्का जरा जायका देना, ठीक है? काली मिर्च का चम्मच नहीं है, चलो छुरी इस्तेमाल कर लेना है। जनाब 1/4 टी स्पून जरा खुशबू देने वास्ते जीरा पाउडर असी पाना है 1/2 टी स्पून। ए जनाब जीरा पाउडर चला गया, खुश्क धनिया पाउडर, ए जनाब एक चम्मच असी खुश्क धनिया पाउडर, ठीक है? गर्म मसाला एंड ते, गर्म मसाला अगर हमने पा दिता तो हांडी हो जाएगी काली जिड़ी कि असी नहीं चाहते, ठीक है जी? मसाले साढ़े तैयार, इन्हों हम असं थोड़ी देर भुन भनाई करा, तो भनाई तो बाद जनाब फिर चस्के लाएंगे। सुन रहे हो आवाज भुनाई की? क्या बात है, क्या बात है, सुबहान तेरी कुदरत। एक अद्ध मिनट की भुनाई करके, ठीक है? ये दो तीन चम्मच जरा ना, दो कु चम्मच, तीन चम्मच कर लो वे खाने वाले, अभी पानी ऐड करा ता के लगे ना हल्का जहा, दो चम्मच पानी ऐड कर दिया, चलो होर तो ज्यादा हो गया, दो तो तीन हो गए, लेकिन चलो ये भी बनाई करा हम जरा सोहने तरीके। घ्यो और भुनाई ए हांडी की जान होंगे ने, ठीक है? ये तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, फ्लेम जरा वो ना मीडियम है ना लो है, बस मीडियम तो लो फ्लेम जिन्हों कहते हैं अंग्रेजी जबान च, वो है जी मीडियम तो लो, ना घट ना वध, जनाब थोड़ी देर तक विद इन 30 सैकेंड मे बी या एक मिनट इन्हें अपना आप छड़ना है, असी उदों तक की करांगे असी आंडे तोड़ के उन्होंने फेंटांगे, नाल नाल इधर भी ध्यान करना है ना, वेखो चमचा इधर भी फेरना है, ऐ ना वेखो पासे लग जाओ मेरे हाथ, वेखो ना बह गया। हुण इहदे च सुट्टांगे असी आलू, आलूआं नूं जनाब
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਲੂ ਆਲੂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲੂ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੁਨਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਮਿੰਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਨਾਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਸਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਲੂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਭੁੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਭੁਨਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਦੇ ਮੈਂ ਭੁਨਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ, ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਲੋ ਫਲੇਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇਣਾ, ਢੱਕਣ ਸ਼ਰੀਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਲਓ ਜੀ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਬੇਲੀਓ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸੱਜਣੋ, ਵੱਡਿਓ, ਛੋਟਿਓ, 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਢੇ 9 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਢੱਕਣ ਨੂੰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਕਿਸੇ ਆਲੂ ਫੜਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਚੈੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲੂ, ਆਲੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਫਿਸ ਗਿਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਲੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਫਲੇਮ ਲੋ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਫੈਂਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਦਮਾ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ 5-7-10 ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਡੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫੜਨ, ਆਲੂਆਂ 'ਚ ਰਚ ਬਸ ਜਾਣ, ਐਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅੰਡੇ ਲਹਿਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਲੂ ਲਹਿਦਾ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5-7 ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਂਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇਜ਼, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਮ, ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਅਮ। ਮੀਡੀਅਮ ਕਰਕੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਵੇਖੇ ਅੰਡੇ ਜੁੜੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਓ ਵੇਖੇ ਜੇ ਆਲੂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਇਹ ਚਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ਕ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਮੀਡੀਅਮ ਟਾਈਪ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈ ਹੋਣ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੈੱਕ? ਐ ਵੇਖੋ, ਹਾਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਿਓ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਅੰਡੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ੇ ਤੇ ਮਈਆ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਾਠੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਲਓ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤਿਆਰ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?